मैं दीप्ति जामदार देशपांडे। रिसेंटली हम एक प्रपोजल लेके गए थे नितिन जी के पास। हम सब लोग जानते हैं कि नितिन जी बहुत ही ज़्यादा अहेड ऑफ टाइम्स नेता रहे हैं और उनको हमेशा लगा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। ये जो लिबर्टी फ्लाईओवर है उसको बनाने के साथ साथ उन्होंने हमको कहा कि इसका ब्यूटिफिकेशन भी करना है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे थीम्स के बारे में सोचा है और सारे लोकल आर्टिस्ट को लेके हम काम कर रहे हैं। सारे जो पेंटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, सारे अभी एकजुट होके नागपुर शहर के ब्यूटिफिकेशन में जुड़ गए हैं और सारे लोकल लोगों को लेके ही, स्थानीय कलाकारों को लेके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कल्पना भी नितिन जी की ही थी कि कोरोना के दिनों में जो जितने भी कलाकार घर पे बैठे हैं और जिन लोगों के डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है वो नहीं होना चाहिए और उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सारे लोकल आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो लाइटिंग लगने वाला है वो भी हम लोग टोटली नागपुर मेड लाइटिंग लगाने वाले हैं और धीरे ही धीरे देखते देखते ये जो 4.5 किलोमीटर का लिबर्टी फ्लाईओवर है बहुत ही सुंदर बनने वाला है। नितिन जी और हम सब लोगों ने ब्यूटिफिकेशन का जो सपना देखा है उसे आगे लेके जाएंगे हम लोग।